जय श्री कृष्ण। दोस्तों, श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कर्मों को ही सबसे उत्तम बताया है, क्योंकि कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, मगर अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारे साथ बुरा ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, मगर कर्म वही करो जिसका संभावित फल तुम्हारी चिंता का कारण ना बने। सोच समझ कर ही कर्म करें, क्योंकि कर्म अच्छा हो या बुरा कभी खाली नहीं जाता। भोगना चाहते हैं तो अच्छे कर्म करिए, बुरे कर्मों की वजह से तो भुगतना पड़ता है। कर्म करने से पहले एक बार अवश्य सोचें, क्या मैं सही कर रहा हूँ? अगर कर्म करने से पहले अच्छे से सोच लें तो शायद हम बुरा कर्म करने से बच सकते हैं। अगर आपने अपने आप को बचा लिया तो सजा से भी बचा लिया। अपने बुरा कर्म कर लिया तो एक ना एक दिन आपको सजा अवश्य ही मिलेगी, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। अब शेष मात्र भी बचता नहीं है किसी का, यहाँ बची रहती है तो बस सबके कर्मों की कहानियाँ। आपके अच्छे कर्मों का फल मिलने में देरी हो सकती है, मगर आपके बुरे कर्मों का फल अवश्य और शीघ्र ही मिल जाता है। इसलिए सावधानी पूर्वक अपने कर्मों का चयन करें। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। कर्म से डरिए, ईश्वर से नहीं, ईश्वर माफ़ कर देता है, कर्म नहीं। बहुत ताजुब नहीं होता मुझे मेरे हालातों से, किसी को ज़रूर तड़पाया होगा तभी ये हाल है। अगर आप किसी और के साथ गलत करने जा रहे हो तो अपनी बारी का इंतज़ार भी ज़रूर करना। आपके कर्मों की गूंज शब्दों की गूंज से भी ऊंची होती है। कर्म का एक प्राकृतिक नियम है, जो लोग दूसरों को चोट पहुँचाएंगे वो अंत में टूट जाएंगे और अकेले हो जाएंगे। आपको वही मिलता है जो आप देते हैं, चाहे वह बुरा हो या अच्छा। कर्म एक बूमरैंग जैसा ही है, वापस उस व्यक्ति के पास लौटता है जो इसे फेंकता है। प्रत्येक अपराध और हर दयालुता से हम अपने भविष्य को जन्म देते हैं। अगर किसी ने आपका नुकसान किया है तो आप उसका नुकसान नहीं कर सकते, क्योंकि आप भी वैसे ही भुगतोगे जैसे वो भुगतेंगे। कोई आपके साथ बुरा करता है तो आप वक्त को जवाब देने दें। किसी और के कर्म के साथ खुद को शामिल करते समय आपको बहुत सावधान रहना होगा। कर्म आखिरकार सामने आता है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। जल्द ही या बाद में ब्रह्मांड आपको वो परस देगा जिसके आप हकदार हैं। आपका कर्म अच्छा होना चाहिए और बाकी सब अच्छा होगा। आपके अच्छे कर्म आपके बुरे भाग्य पर हमेशा विजय प्राप्त करेंगे। लोग जो करते हैं उसके लिए भुगतान करते हैं, कभी कभी उससे भी अधिक। लोग उनके पापों के लिए दंडित नहीं होते, बल्कि पापों द्वारा होते हैं। हमने जो कर्म किए हैं उसका परिणाम हमारे पास आ ही जाता है, आज कल, 100 साल बाद या फिर 100 जन्म के बाद। चलिए एक कहानी सुनते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, और कर्मों का फल आपको ढूंढ ही लेता है। एक स्त्री थी जिसे 20 साल तक संतान नहीं हुई। कर्म संजोग से 20 वर्ष के बाद वो गर्भवती हुई और उसे एक पुत्र संतान की प्राप्ति हुई, किंतु दुर्भाग्यवश 20 दिन में वो संतान मृत्यु को प्राप्त हो गई। वो स्त्री हद से ज़्यादा रोई और उस मृत बच्चे को शव का शव लेकर एक सिद्ध महात्मा के पास गई। महात्मा से रोकर कहने लगी, मुझे मेरा बच्चा बस एक बार जीवित करके दीजिए, मात्र एक बार, मैं उसके मुख से माँ शब्द सुनना चाहती हूँ। स्त्री के जिद करने पर महात्मा जी ने 2 मिनट के लिए उस बच्चे की आत्मा को बुलाया। तब उस स्त्री ने उस आत्मा से कहा, तुम मुझे क्यों छोड़कर चले गए? मैं तुमसे सिर्फ एक बार माँ शब्द सुनना चाहती हूँ। उस आत्मा ने कहा, कौन माँ, कैसी माँ? मैं तो तुमसे कर्मों का हिसाब किताब ले करने आया था। स्त्री ने पूछा, कैसा हिसाब? आत्मा ने बताया, पिछले जन्म में तुम मेरी सौतन थी, मेरे आंखों के सामने मेरे पति को ले गई। मैं बहुत रोई, तुमसे अपना पति मांगा, पर तुमने एक ना सुनी। तब मैं रो रही थी और आज तुम रो रही हो। तब मेरे पति गया था, आज तुमने अपनी संतान खोई है। बस मेरा तुम्हारे साथ जो कर्मों का हिसाब था वो मैंने पूरा किया और मैं मर गया। इतना कहकर आत्मा चली गई। उस स्त्री को झटका लगा।
महात्मा ने समझाया, देखो मैंने कहा था ना कि ये सब रिश्तेदार, माँ पिता, भाई बहन, सब कर्मों के कारण जुड़े हुए हैं। हम सब कर्मों का हिसाब करने आए हैं, यही हमारे रिश्तों की नियति है। इसलिए बस अच्छे कर्म करो ताकि हमने बाद में भुगतना ना पड़े। वो स्त्री समझ गई और अपने घर लौट गई। अतः हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। आप गलत कर्म करते हैं तो आप गलत कर्म ही वापस पाते हैं। हम अपने कर्म फल से नहीं बच सकते, हमारे कर्म ही आधार हैं जिस पर हम खड़े हैं। कर्म केवल परेशानियों के बारे में ही नहीं बल्कि उन पर विजय पाने के बारे में भी हैं। समस्याएं हो या फिर सफलताएं, दोनों ही हमारे कर्मों के परिणाम हैं। हाथ की रेखा तो बस एक बहाना है, जीवन की रेखा तो कर्मों से लिखी जाती है। ये कर्म है, आज तक इससे कोई बच नहीं पाया है। वक्त का पहिया घूमकर सबको अपने कर्मों का फल देता है। तकलीफ किसी को इतनी ही दो कि माफ़ी मिल सके, क्योंकि इंसान तो माफ़ी दे सकता है परंतु आपके कर्म नहीं। अपराध करके व्यक्ति कानून से बच सकता है लेकिन इस अपराध के कर्म फल से नहीं। कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ कोई ऑर्डर देने की ज़रूरत नहीं है, हमें वही मिलता है जो हमने पकाया है। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जो कुछ भी कर रहे हो मेरी दृष्टि सदैव तुम पे है। इसलिए आप ये मत सोचें कि आप जो कर रहे हैं वो कोई नहीं देख रहा। चलिए एक कहानी सुनते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, और कर्मों का फल आपको ढूंढ ही लेता है। जय श्री कृष्ण।